नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, और एंट्री लेने का साथ साथ एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। अक्सर ये एक इंट्राडे ट्रेडर के साथ होते रहता है, जो हम लोग कभी कभार बहुत पहले निकल जाते हैं, कभी कभार थोड़ा लेट करने का चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी नहीं मिलता है। तो एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का मैं चार्ट लगाया हूँ। देखिए, 13 तारीख मार्केट ओपन हुआ है, ये आज का फर्स्ट कैंडल था, और ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये आपका बाय का सिग्नल है। तो जब भी कोई सिग्नल बनता है आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। अब उसके लिए चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके पैरामीटर में जाके अलर्ट एंड पॉपअप को ऑन करके रख सकते हैं। कहीं पर भी कॉल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाएगा साउंड के साथ, गेट रेडी टू बाय निफ्टी एट द रेट इन दैट वैल्यू। और ये मैसेज बॉक्स जब तक आप देख नहीं लेते तब तक ये जाएगा भी नहीं। हो ही सकता है जो आप 2-3 मिनट के लिए बाहर गए हैं और उस टाइम कोई कॉल बना, तो ये मैसेज बॉक्स आपका स्क्रीन के ऊपर रहेगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे। चलिए, इसको मैं बंद कर दिया। अभी ये जो बाय का कॉल बना है, देखिए बाय का कॉल बनने से लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिटेल्स लिख के आ जाता है, जो कौन सा वैल्यू में बाय का कॉल दिया है, टारगेट क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। अब क्वेश्चन ये है, जो क्या ये कॉल सही है, इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कुछ कंडीशन। जनरली 3 कंडीशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन होता है बाइंग का टाइम, नीचे में आपको एक पट्टी दिखाई दे रहा है, रिबॉन दिखाई दे रहा है, जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए। बैंड का कलर अगर ग्रीन है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स एक्टिवेट हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है बाय का कॉल में, नीचे का रिबॉन का कलर को देखना। सेकेंड कंडीशन, बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनना चाहिए, तो आपको ग्रीन कलर का एक स्टार दिख रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। नीचे में देखिए एक लाइन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, जिसका कलर एक बार रेड हो रहा है, एक बार ग्रीन हो रहा है। कलर उतना फैक्टर नहीं है, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बायर्स बढ़ रहे हैं, रेड मतलब सेलर्स बढ़ रहा है, बट इसका जो मेन फैक्टर है वो है मिडिल का वाइट लाइन, जिसका वैल्यू राइट साइड में लिखा है 0, मतलब ये न्यूट्रल है। और जब ये लाइन न्यूट्रल का ऊपर जाएगा उसका मतलब है स्ट्रांगली बाइंग जोन में मार्केट घुस गया। तो देखिए, ये जो बाय का कॉल यहाँ पर बना है, स्टार आपका कंडीशन मैच हो गया था, नीचे का रिबोन भी आपका मैच हो गया था, बट ये जो लाइन इंडिकेटर है ग्रीन तो था बट व्हाइट का ऊपर नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके आपको ट्रेड करना चाहिए, उसका पहले नहीं। जैसे इस कैंडल पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो अब ये लाइन इंडिकेटर व्हाइट लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो आपको एंट्री यहाँ पर लेना है। तो मैं 3 कंडीशन और एक बार बता देता हूँ, एक स्टार, नीचे का रिबोन, लाइन न्यूट्रल का ऊपर जाएगा। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पतला पतला 2 ग्रीन लाइन दिखाई देगा जो ब्रेक होके नीचे आएगा। यहाँ पर अगर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, वहाँ पर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो गया, अब एंट्री ले लिए। एंट्री लेने के बाद आपका जो मेन फोकस होगा वो है एग्जिट पे। देखिए, टारगेट बोल के कुछ भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, 3 टारगेट दे रहा है। अब मार्केट कितना ऊपर जाएगा किसी को भी पता नहीं है, आपको नीचे का जो लाइन इंडिकेटर है उसको फॉलो करते हुए चलना है। जैसे देखिए, यहाँ से लाइन इंडिकेटर का कलर क्या हुआ, रेड होना शुरू कर दिया। तो रेड होने का मतलब है, यहीं से आपको पता चल रहा है मार्केट में सेलर्स बनना शुरू कर दिया। कोई भी चीज़ सडनली नहीं होता है, धीरे धीरे मार्केट में ग्रेजुअली बायर्स एंड सेलर्स का जो परिमाण है वो चेंज होते रहता है। तो ये जो लाइन इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये रेड होने का मतलब है यहाँ से धीरे धीरे सेलर्स अभी बढ़ रहा है। अब देखिए, आप कब तक वेट करेंगे, आप एग्जिट पहले भी कर सकते हैं जहाँ पर लाइन ग्रीन से रेड हो गया है। अदरवाइज आप इतना दूर तक वेट कर सकते हैं जहाँ पर ये दोनों लाइन क्रॉस ओवर होके इसका कलर पिंक हो रहा है। तो देखिए, बहुत सारा आपको इंडिकेशन मिल रहा है एग्जिट करने के लिए। तो एग्जिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार बताता हूँ, और एग्जिट कहाँ पर करना है वो आपको सॉफ्टवेयर बता दे रहा है, जो एग्जिट एक्चुअली कहाँ पर हो रहा है। देखिए, धीरे धीरे लाइन और नीचे आ गया, और यहाँ पर ये लाइन 0 को तोड़ के नीचे आ गया, मतलब यहाँ से टोटली सेलिंग ट्रेंड का तरफ चला गया है। नीचे का जो रिबोन है वो भी देखिए रेड हो गया, मतलब और आप यहाँ पर वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी अगर आप छोड़ते तो देखिए
53 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर लास्ट ट्रेड पीएल में लिखा है 53 पॉइंट, निफ्टी फ्यूचर में 53 पॉइंट मतलब मोर देन एनफ। अब यहाँ पर इस इंडिकेटर का फंक्शन देखिए, देखिए ये इंडिकेटर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली डाउन फॉल में गया। क्या मार्केट में उतना मूवमेंट हुआ है डाउन में? नहीं, देखिए मार्केट उसी सेम जगह पे खड़ा है। तो ये है इस इंडिकेटर का एडवांटेज, ये एज ए डाइवर्जेंस काम कर रहा है और धीरे धीरे लाके आपको जीरो को जैसे तोड़ देगा, समझ जाना है मार्केट में सेलिंग ट्रेंड आ चुका है। अब उसका बाद आप वेट कीजिएगा कोई फ्रेश कॉल के लिए। अब देखिए मार्केट में नीचे का रिबाउंड रेड हो गया, लाइन नीचे ही जा रहा है, बट अभी तक कोई कॉल नहीं बना है। अल्टीमेट देखिए यहां पर सेल का कॉल बना, जैसे सेल का कॉल बना इस टाइप का नोटिफिकेशन आपके पास आ गया। सेल का कॉल जैसे ही बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रेड कलर का बॉक्स में उसका डिटेल्स आ गया। अब वही सेम कंडीशन मैच कीजिए, स्टार बना है, नीचे का रिबन ऑलरेडी रेड है, लाइन इंडिकेटर रेड है, जीरो का नीचे पहले से ही चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैच नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो पतला पतला ग्रीन लाइन दिखाई देगा, जिसका बाद में यहाँ पर कर रहा था इस बाय का टाइम। ये दोनों लाइन ब्रेक करके नीचे आ गया था और ग्रीन होके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वैसे सेलिंग का टाइम को भी ये दोनों लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना है, इसका कलर रेड हो जाना है, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। तीनों कंडीशन तो मैच कर रहे हैं, बट उसका साथ साथ ये दोनों लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर सेल का कॉल तो बन गया, बट मैं यहाँ पर अभी भी ट्रेड नहीं किया, भले मेरा कंडीशन मैच क्यों ना हो, क्योंकि अभी भी वो दोनों ग्रीन लाइन ब्रेक करके ऊपर नहीं गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल पे आप ध्यान से देखिए, जो दो लाइन जो था वो ब्रेक करके ऊपर चला गया। यहाँ पर एक ही लाइन दिख रहा है क्योंकि दोनों मर्ज हो गया, इसीलिए अदरवाइज ये जो दोनों लाइन है जो ब्रेक करके ऊपर चला गया, इसका मतलब है यहां पर आपका कॉल का कंफर्मेशन हुआ। तो इतना दूर तक मार्केट साइडवेज था। तो एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा लोकेशन पे आप एंट्री ले रहे हैं उसका ऊपर बेस करके आप पैसा बना सकते हैं। अल्टीमेट देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगा, तो इस चीज को समझना है जो आपको मार्केट में ब्रेकआउट कहां पर मिल रहा है और किस जगह पे एंट्री लेने से आप प्रॉफिट बना सकते थे। तो देखिए देखते देखते ये 100 120 पॉइंट का प्रॉफिट देखिए निकल गया है। तो दिस इज द कंसेप्ट। धीरे धीरे देखिए लाइन इंडिकेटर यहाँ पर भी उसका फंक्शन देखिए, लाइन इंडिकेटर ग्रीन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ये लाइन इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक संकेत है जो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब देखिए देखते देखते यहाँ पर 3:30 बज गया, मार्केट खत्म हो गया। तो दिस इज द लॉजिक। तो एंट्री एंड एग्जिट बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को ही आपको समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर दो चीज़ आपके लिए परफेक्ट हो गया तो आप कहीं पर भी पैसा बना सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हम लोग के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं या हम लोग का टेलीग्राम चैनल में फ्रीली ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हम लोग का थ्रू अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वीडियो का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर बोलिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।